आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो की इस पार्ट में आपसे मैं एनडीपीएस एक्ट के एक प्रावधान की चर्चा करूंगा और इस प्रावधान की वजह से एक आरोपी जिसे 38 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था, पुलिस की गलती की वजह से आरोपी को एनडीपीएस के मामले में हाई कोर्ट ने जमानत प्रदान कर दिया। साथियों, कई बार क्या होता है कि कई बार कुछ निर्दोष लोग होते हैं जिन्हें एनडीपीएस एक्ट में फंसा दिया जाता है और अब चूंकि वो निर्दोष हैं, मामला ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पुलिस ने कहानी बनाई है, मनगढ़ंत कहानी है, तो उसकी वजह से जो सारे प्रावधान हैं एनडीपीएस के, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती पुलिस के द्वारा कर दी जाती है। और अगर आप इस गलती को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, गलती को आप समझ जाते हैं कि पुलिस ने क्या गलती किया है, तो इसका फायदा आपको कोर्ट में भी मिल सकता है। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, हमें प्रावधान की जानकारी नहीं होती, इसलिए हम झूठा मुकदमा हमें लड़ना पड़ता है और अंततः सफ़र करना पड़ता है उस निर्दोष व्यक्ति को जिसको कि बेवजह एनडीपीएस के मामले में फंसाया गया है और वो बेवजह जेल में लंबे समय से बंद है। तो साथियों, मैं आपसे जिस जजमेंट की चर्चा कर रहा हूँ, ये बेहद महत्वपूर्ण जजमेंट है और ये जो प्रावधान है ये हर मामले में लागू होता है, तो आप ये प्रावधान समझिएगा। आप एक इसी जजमेंट के अंतर्गत एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बताया गया है, आप उसे भी पढ़िएगा, उससे भी आप समझ में आपको ये बात समझ आएगी कि कितना इंपॉर्टेंट ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन है जिसको कहा कंप्लायंस करना बेहद ज़रूरी है। मैं आपसे जिस जजमेंट की चर्चा कर रहा हूँ, इस जजमेंट का लिंक मैं ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जजमेंट को पढ़िएगा और अगर आपको ऐसा लगता है कि जजमेंट आपके केस में लागू होता है तो आप इसको कोर्ट में भी एज ए केस लॉ सबमिट कर सकते हैं। तो साथियों, आज आपसे जिस केस की चर्चा कर रहा हूँ ये बॉम्बे हाईकोर्ट से डिसाइड हुआ है और केस का नाम है रविंद्र अमर सिंह राठौर वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के नाम से। इस केस में आरोपी के खिलाफ सेक्शन 8C, 22 और 29, ये तीन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपी के खिलाफ आरोप था कि एक गाड़ी में ये लोग बैठे थे, तीन लोग थे, उसमें तीन बैग बरामद हुए और जो बैग थे उसमें गांजा था। गांजा की जो क्वांटिटी थी वो लगभग 38.60 kg थी, मतलब आप समझिएगा गांजा की जो कमर्शियल क्वांटिटी होती है वो होती है 20 किलो, तो 20 किलो से ऊपर मतलब कमर्शियल क्वांटिटी। जहाँ कमर्शियल क्वांटिटी होती है वहाँ आसानी से बेल नहीं मिलती है क्योंकि सेक्शन 37 का बार लग जाता है एनडीपीएस एक्ट का। तो साथियों, इस केस में क्या हुआ था, पुलिस को मुखबरी से सूचना मिली, पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने वहां पे इन लोगों से तलाशी किया और उसी मौके से ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल किया, उसके बाद मामला चला गया कोर्ट में। अब जब जो आरोपी था जिसने ये पिटीशन फाइल किया है, उसने ये कहते हुए पिटीशन फाइल किया कि मैं तो एक यात्री था और मैंने थोड़ा मदद ली थी कार वाले की कि मुझे कुछ आगे तक छोड़ दो, ऐसा उसका डिफेंस था। उसका कहना था कि गाड़ी में क्या है मुझे कोई जानकारी नहीं थी, तो मैं निर्दोष हूँ। दूसरा उसका कहना था कि पुलिस ने यहाँ पे एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 42 का जो स्ट्रेटजरी प्रोविजन है उसका कंप्लायंस नहीं किया है। अब सेक्शन 42 क्या कहता है, सेक्शन 42 के सब सेक्शन 1 और 2 में एक प्रोविजन ये भी है कि जहाँ पे पुलिस इस तरह की रेड करती है वहाँ पे 24 घंटे के अंदर उसको लिखित में सूचना अपने सुपीरियर ऑफिसर को भेजनी पड़ती है। पुलिस ने ये गलती की, यहाँ पे पुलिस ने सूचना अपने सीनियर अधिकारियों को नहीं दी। एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है, करनैल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, लैंडमार्क जजमेंट है, उसमें बताया गया है कि पुलिस अगर सूचना नहीं देती सीनियर अधिकारी को तो पुलिस को सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है कि 24 घंटे से देरी हुई सूचना देने में सीनियर अधिकारियों को। लेकिन ऐसा इस मामले में नहीं किया गया था, पुलिस ने सीनियर अधिकारियों को सूचना दी ही नहीं। जब मामला कोर्ट में जब ये आर्गूमेंट हो रहा था तो जो गवर्नमेंट एडवोकेट होते हैं उन्होंने कहा कि हमने फ़ोन पर सूचना दिया था, तो उस कंडीशन में हाई कोर्ट ने कहा कि फ़ोन पर दी गई सूचना हमारा जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन है सेक्शन 42 का उसका वायलेशन है, रिटर्न में एप्लीकेशन देना चाहिए था, रिटर्न में इंफॉर्मेशन देना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया, इसलिए इसका फायदा मिलेगा आरोपी को। और आरोपी को केवल इस वजह से बेल ग्रांट कर दी गई कि पुलिस ने जो सेक्शन 42 का प्रोविजन का जो कंप्लाइंस है वो नहीं किया, जो सूचना देनी चाहिए सीनियर अधिकारियों को उसने सूचना नहीं दिया। हाई कोर्ट ने बेल एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया और आरोपी को बेल ग्रांट कर दिया, साथ में कुछ शर्तें लगा दिया।
आरोपी हर पेशी पर उपस्थित होगा, आरोपी गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा, और इस प्रकार से कुछ कंडीशन लगाते हुए हाई कोर्ट ने उसको बेल ग्रांट कर दिया। तो आप समझ गए होंगे कि इस तरह के जो भी प्रोविजन है आप इनको देखें, अगर आपके मामले में इनका कंप्लायंस नहीं हुआ है तो बेल के टाइम पे भी आप इस तरह के जो कुछ इशू हैं आप मेरिट पे भी हाई कोर्ट में आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं और कोर्ट को बता सकते हैं कि किस प्रकार से इस पूरा ये जो पूरा मामला है इसमें नॉन कंप्लायंस ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजन NDPS एक्ट का, उसके आधार पर काफ़ी सारे मामले में हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट किया है और ये भी मामला उसी का एक एग्जाम्पल है कि इस तरह के मामले में हाई कोर्ट से बेल आपको मिल सकती है। धन्यवाद साथियों।